नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने शिवसेना के नेता पर निशाना साधते हुए मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से की। इस ट्वीट के बाद से ही कुछ बॉलीवुड स्टार्स कंगना रनौत को निशाने पर ले रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड की एक्ट्रेस रेणुका शाहने ने भी कंगना के पीओके कमेंट पर ट्वीट के जरिए उन पर निशाना साधा। कंगना के ट्वीट का जवाब देते हुए रेणुका कहती हैं, कंगना रनौत, मुंबई वो शहर है जहां आपका बॉलीवुड स्टार बनने का सपना पूरा हुआ। कोई आपसे इस अद्भुत शहर के लिए कुछ सम्मान की उम्मीद करेगा। ये निराशाजनक है कि आपने मुंबई की पीओके के साथ तुलना कैसे की। वहीं अब रेणुका शाहने के इस ट्वीट का कंगना ने भी जोरदार जवाब दिया और लिखा, प्रिय रेणुका शाहने जी, जब किसी सरकार के गरीब प्रशासन की आलोचना की गई थी तो प्रशासन उस स्थान के बराबर हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप अनुभवहीन हैं। क्या आप भी खून के प्यासे गिद्ध की तरह इंतजार कर रही थी कि मेरे मीट का एक टुकड़ा मिल जाए? आपसे बेहतर की उम्मीद है। बता दें कि हाल ही में कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस की जांच की आलोचना की थी, जिसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था, कृपया उनसे मुंबई न आने का अनुरोध करें। संजय राउत की इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा था, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस ना जाऊं। पहले मुंबई की सड़कों में आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की तरह क्यों लग रही है? बताते चले कि कंगना के इस ट्वीट को लेकर कई स्टार बिना नाम लिए उन पर निशाना साध चुके हैं, जिनमें रितेश देशमुख, उर्मिला मातोंडकर, दिया मिर्जा और कुबरा सेठ शामिल हैं।